अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं और अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर आज का यह वीडियो आपके लिए संजीवनी साबित होगा। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं, आप कहीं रोजगार देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपको देखना चाहिए। आप जानते हैं कि अभी बेरोजगारी का आलम यह है कि बहुत सारे लोग 5-5 हजार, 4-4 हजार पे काम कहीं भी खोज रहे हैं कि कम से कम उनका जीविकोपार्जन हो सके। पढ़े लिखे व्यक्ति भी आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, कहीं भी आपको अच्छे खासे वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो अपने लिए एक रोजगार आप खोज सकते हैं, या फिर यूं कहें तो पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको रोजगार भी मिलेगा, और आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ आपको पैसे ही मिलेंगे, यानी कि आपको महीना भी मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, और अच्छा खासा पद भी है यहाँ पर। आप पद मत सोचिए, लगभग 80,000 पद है जहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना रोजगार कर सकते हैं। रोजगार कहें या फिर नौकरी कहें, आपका नौकरी भी लग जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाला गया है, और इस स्कीम में जो भी 10वीं कक्षा पास बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए आपको, और आप भर सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का शुल्क जो है वो एकदम 0 रुपया है। पूरा हम बताएंगे आपको क्या है योग्यता, क्या है आपका फॉर्म भरने का शुल्क, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सारे बात आपको हम बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। लेकिन एक बात बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो देखने के बाद आप ही अपना फॉर्म फिलअप कर लें, और फॉर्म फिलअप करने के बाद हो सकता है कि आपको भी अपना आपका एक रोजगार मिल जाए या आपका नौकरी लग जाए। तो बात करते हैं, देखिए सबसे एक बढ़िया योजना आया है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अब आप सोचे होंगे कि इंटर्नशिप योजना क्या है, तो आपको छोटा मोटा मैं बात बता दूं कि इंटर्नशिप वो होता है कि आप अगर किसी भी काम को करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप जाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, आप जाना चाहते हैं भवन निर्माण सेक्टर में, आप जाना चाहते हैं कोई भी स्किल सेक्टर में, तो सबसे पहले सरकार करेगी क्या, आपको ट्रेनिंग देगी। जी हाँ, आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1 साल ट्रेनिंग देने के बाद, और ये भी नहीं है कि आपको कहीं भी दिया जाएगा ट्रेनिंग, बड़े बड़े कंपनियां हायर करेंगी आपको और आपको 1 महीने तक ट्रेनिंग देंगी, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर आपका वहां पे जॉब लग सकता है या फिर आपको वहां पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं पहले आपको उसका ट्रेनिंग मिलेगा, और ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आप पद देखेंगे तो लगभग पद आपका 80,000 है। जी हाँ, बहुत बड़ा पद है, 80,000 लड़कों का चयन होगा, चूंकि ये फर्स्ट फेज है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया योजना निकाला गया है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अभी आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस बेरोजगारी में आप अपने ही राज्य में या अपने जिला में 4-4 हजार, 5-5 हजार पर नौकरी खोजते हैं और काम करते हैं, या बहुत लोग जो हैं वह कहीं आप देखते होंगे फुचका का ठेला लगाते हैं, या फिर कहीं आप देखते होंगे छोला का लगाते हैं ठेला, बहुत सारे आप बिजनेस भी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। वहीं ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कुछ ही पैसा नहीं होता है, वो दर दर भटकते हैं कि उनको 2,000-3,000 का भी नौकरी कहीं पे मिल जाए। तो ऐसे में यह योजना जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ठीक है, तो इस योजना में आप देख सकते हैं कि 80,000 पद है, चूंकि यह फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में 80,000 बच्चों का चयन होगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ट्रेनिंग देने के बाद उनका जॉब भी लग सकता है। ठीक है, तो पद का चिंता मत करें, पद आप देख सकते हैं कि 80,000 पद यहाँ पर है। योग्यता की बात करें तो अगर आप 10th हैं या फिर 12th हैं, या फिर आपने बीए किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है, या बीबीए किया हुआ है, बी फार्मा किया हुआ है, या और भी कोई कोर्स किया हुआ है, तो ये आपके लिए है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया है, आईटीआई किया है, तो अगर आपने आईटीआई किया है तो आप उसी सेक्टर में जाइएगा। जैसे कि आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन, तो आपको उसी संबंधित आपको कंपनी जो है वो हायर करेगी और आपको इलेक्ट्रीशियन का आपको ट्रेनिंग देगी पूरे 1 साल तक। और ट्रेनिंग देने के बाद अगर आपका जो भी आप वहां पर ट्रेनिंग कीजिएगा, आपका अगर सेशन अच्छा रहता है तो हो सकता है कि आपको वहां पर रख लिया जाए। ठीक है, तो आप अगर ये सब डिग्री अगर आप हासिल किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है, आपको 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब उसके ऊपर आप जितना पढ़े लिखे हो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका शुल्क की बात करें इसका, तो 0 है। जी हाँ, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी 1 भी रुपए खर्च किए हुए। आपको सीधे जाकर वेबसाइट पर आपको यहाँ पर क्या करना है,
तो अपना ऑनलाइन फॉर्म करना है, ठीक है। अब आवेदन की तिथि की बात करें तो आवेदन तिथि आपका 12 अक्टूबर 2024 से चालू है, यानी कल से यह फॉर्म भरना चालू हो गया है। आप भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, वेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर अपना आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। वही अगर बात करें अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि 80,000 बच्चों का चयन करना है, तो जितने ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से 80,000 बच्चों को चुना जाएगा और 80,000 बच्चों को चुनने के बाद उस कंपनी को दे दिया जाएगा, जिस संबंधित बच्चे फॉर्म भरेंगे उस कंपनी को उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा और उस कंपनी में जाकर वो बच्चे क्या करेंगे, एक साल का अपना ट्रेनिंग करेंगे। तो अभी अंतिम तिथि जो है वह यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। आवेदन तिथि जो स्टार्टिंग है वह आपका 12 अक्टूबर 2024 से है। अब बात कर ले आयु की, तो 21 वर्ष से 24 वर्ष, हाँ, जिनका भी उम्र 21 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में है उन्हीं का चयन इसमें होगा। अगर आप 10वीं पास हैं, आपका उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच में है, आप बेरोजगार हैं, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। बड़े बड़े कंपनियों, जो भी लिमिटेड कंपनी है वहां पर आपका ट्रेनिंग होगा। तो आयु की बात करें तो आयु है 21 वर्ष से 24 वर्ष, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6,000 प्लस 5,000 प्रति माह, कुल 66,000। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस फॉर्म को भरिएगा, आपका चयन होगा, तो उसी वक्त सरकार आपको 6,000 आपके अकाउंट में भेजेगी डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सीधे आपके बैंक अकाउंट में आपका 6,000 रुपया सबसे पहले जमा हो जाएगा। जैसे आपका चयन होगा, कंपनी आपका चयन करेगी कि आपको एक साल का ट्रेनिंग मिलेगा, वैसे ही आपके अकाउंट में 6,000 रुपए जमा हो जाएंगे। उसके बाद आपको 5,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा ट्रेनिंग का। जी हाँ, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हर एक माह भेज दिए जाएंगे, जिसमें से इसमें से 500 रुपए आपको वो कंपनी पेड करेगा। जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग करेंगे वो कंपनी आपको 500 रुपए पेड करेगा और उस हिसाब से करेगा कि आपका आचरण कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छे से आप ले रहे हैं कि नहीं ट्रेनिंग, ये सब देखने के बाद कंपनी आपका 500 रुपया आपके अकाउंट में जमा करेगा। और जैसे ही कंपनी 500 रुपया जमा करेगा तो फिर सरकार जान जाएगी कि आप अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी का 4,500 रुपया सरकार आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेज देगी। अब ये भी बात है कि जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको 500 रुपये दे, अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप बहुत ही अच्छे समय लगा कर काम कर रहे हैं या काम सीख रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी आपको 5,000 10,000, वो कंपनी के ऊपर जितना आपको पेड कर सके कंपनी आपको पेड कर देगी, लेकिन सरकार आपके अकाउंट में 4,500 ही रुपये भेजेगी। और वो भी कब भेजेगी, जब कंपनी आपके अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये डाल देगी, तभी सरकार जान जाएगी कि आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद सरकार गवर्नमेंट जो है वो आपके अकाउंट में 4,500 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेज देगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपका हो गया कितना, 60,000 रुपए, और बाकी ये जो 6,000 आपको स्टार्टिंग मिलेंगे, यानी कि मिनिमम आपको 66,000 रुपए पूरे एक साल के मिलेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप जाइए अपना फॉर्म भरिए, ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग में भी आपको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, और अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा रहता है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जो लिमिटेड कंपनी है वो आपको अपने पास ही रख लेगी और आपको नौकरी दे देगी, ठीक है। अब बात करें प्रशिक्षण अवधि की, तो ये आपका जानते हैं कि आप एक साल का आपका अवधि होगा। जी हाँ, आपका ट्रेनिंग जो होगा वह एक साल का होगा, आपको वहां पर एक साल ही बिताना है, एक साल से अधिक आपको नहीं बिताना है, आपको एक साल वहां पर ट्रेनिंग लेना है। अब इस ट्रेनिंग में आप पूछ सकते हैं कि आपको वहां पढ़ाई होगा क्या, तो नहीं, आपको ब्लैक बोर्ड पर या फिर कहीं भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। किया क्या जाएगा कि आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग, आप जिस कंपनी में रहेंगे वहां पर आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग, आपको बस ट्रेनिंग करना है और जिस कौशल में आप चाहते हैं अपना प्रशिक्षण करना, उसी कौशल में आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग, और आप ट्रेनिंग लेने के बाद आराम से वहां पर नौकरी भी कर सकते हैं। अब बात कर ले कि कौन कौन सा स्किल है, तो बहुत सारे स्किल हैं जिसमें आप अगर पारंगत हैं आप उसी स्किल में ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटी और सॉफ्टवेयर विकास से भी आपका स्किल है, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं से भी आपका स्किल है, फिर तेल गैस और ऊर्जा में भी आप चाहते हैं लेना ट्रेनिंग तो आप यहां भी जा सकते हैं, धातु और खनन में भी आप चाहते हैं तो वहां भी ले सकते हैं ट्रेनिंग, MFCG, दूर संचार, सीमेंट और निर्माण सामग्री, फिर आपका विमानन और रक्षा, मीडिया, मनोरंजन और शिक्षा, कपड़ा विनिर्माण आदि, ये सारे स्किल जो है अगर आप इसमें जाते हैं ट्रेनिंग लेना तो आप आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी और भी आपको कम से कम 20-25 स्किल है, 30 स्किल है जहां पर आसानी से अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप जब जाइएगा फॉर्म फिलअप करने, अपना रजिस्ट्रेशन करने, तो वहां पर आपको बहुत सारे स्किल दिखाई देंगे, आप उनमें से आपको
स्किल चूज करना है कि कौन कौन से स्किल में आप चाहते हैं ट्रेनिंग करा, उसी में से कंपनी जो होगी उस स्किल से संबंधित आपका चयन करेगी और चयन करने के बाद आपको बुलाएगी और बुलाने के बाद आप जाइएगा वहां पर आपका ट्रेनिंग होगा। अब बात कर लें कि यहाँ पर कितने कंपनी है, तो लगभग 500 लिमिटेड कंपनी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने लगभग 500 लिमिटेड कंपनियों को इसमें चयनित किया है और उस 500 लिमिटेड कंपनियों में ही आपका प्रशिक्षण होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका कंपनी में होगा ट्रेनिंग, नहीं, लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी में आप जानते हैं कि ट्रेनिंग करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, और आपका प्रशिक्षण अच्छा रहता है तो फिर आपको उसी लिमिटेड कंपनी में आपको रख लिया जाएगा। इसकी गारंटी नहीं है कि आपको उसी में रख लिया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ज्यादा चांसेस यही होता है। तो ये कंपनी अगर आपको ट्रेनिंग दे रही है तो फिर वो अपने हिसाब से आपको ट्रेनिंग देगी और बाद में आपको रख भी लेगी, क्योंकि कंपनी फिर कहाँ ढूंढने जाएगी अपने लिए कोई भी जो भी आपका ट्रेंड एम्प्लॉय है, वो कहाँ खोने जाएगी, आप ही को रख लेगी क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे रही है। तो आप घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छा आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि 80,000 यहाँ पर पद है। तो अगर आप घर पर बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और फॉर्म भरने के बाद आपको कंपनी बुलाएगी, आप जाइएगा वहां पर जाकर ट्रेनिंग लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी आपको बुलाती है ट्रेनिंग के लिए, आपको वो कंपनी पसंद नहीं है, तो आप उसका ऑफर लेटर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फिर आप दोबारा दूसरे कोई कंपनी जब आपको बुलाएगी तो आप वहां पर जा सकते हैं। या अगर दोबारा फिर मान लीजिए 80,000 जो पोस्ट है, ये चूंकि अभी फर्स्ट फेज है, ये जो है अभी ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज में फिर 80,000 या फिर इससे अधिक पोस्ट पर आपका हो सकता है कि फिर आपका निकले फॉर्म भरने के लिए, तो उस समय भी आप फिर फॉर्म भर सकते हैं, फिर आपका चयन होगा, फिर आप जाकर अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, बहुत आपके पास सुनहरा अवसर है। अगर आप बेरोजगार हैं, 10th 12th बीए बीसी बीएससी बीकॉम आईटीआई पॉलिटेक्निक, अगर आप ये सब पास हैं, घर बैठे हुए हैं कि आपको कब रोजगार मिल जाए, तो आप अभी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपको लिमिटेड कंपनियां बुलाएंगी, आप जाएंगे ट्रेनिंग करने और ट्रेनिंग के बाद आपका वहां पर जॉब भी लग सकता है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही और हम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हम जरूर जवाब देंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग मस्त रहिए, परिवार के साथ घूमते फिरते रहिए, अच्छे से जिंदगी व्यतीत कीजिए, मिलेंगे अगले अंक में, तब तक धन्यवाद।